तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेट टॉक्स में। तो पिछला जो हमने एज गियर के ऊपर वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने बोला था एज गियर का वेट अपने सेगमेंट में कम, लेकिन मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि एज गियर की जो बॉडी शेप है वो अपने सेगमेंट की सबसे स्लिक बॉडी शेप है। हालांकि उसका वेट 122 kg है, लेकिन फिर भी जो उसकी स्लिक बॉडी है उसके कारण जो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी उस पर मैंने वो वीडियो बनाया था। फिर भी अगर आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम लगी हो तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। और परसों की ही बात है, जब मैंने BS6 कंप्लाइंट डिस्प्रेक वाला वेरिएंट प्लेटिना एज गियर उस बाइक की टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद जो उस बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे मैं कह सकता हूं कि आप बाकी सारी 110cc बाइक को छोड़ के एक बार इस तरफ इस बाइक के ऊपर आपके लिए देख लेना जरूरी हो जाता है। बस इसीलिए मैं आज की ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें अबाउट प्लेटिना एज गियर BS6 वेरिएंट। और अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहली बहुत अच्छी चीज मुझे जो प्लेटिना एज गियर में लगी वो है एज गियर, क्योंकि आप 110cc की कोई भी बाइक ले लीजिए, कोई भी कहीं पे भी वो भले ही अवेलेबल हो, इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया में, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, प्लेटिना एज गियर के अलावा सिर्फ एक और ऐसी बाइक है जो कि चाइना में बिकती है, जहां पे आपको फिफ्थ गियर 110cc सेगमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी कहीं पे और ऐसी कोई बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि 110cc इंजन के साथ भी आती है और आपको 5 गियर भी प्रोवाइड करवाती है। अब फिफ्थ गियर का फायदा आप सभी को पता है कि हाइड में आपको वाइब्रेशंस कम मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी बाइक की जो फ्यूल इकोनॉमी यानी कि अगर हम बोले माइलेज तो वो बहुत ही शानदार निकल के आने वाली है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे यहाँ पे इस बाइक में देखने को मिला वो वही है कि आपको वहां पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको कब अपनी बाइक को नेक्स्ट गियर में डालने की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। अब अगर आप जिसे वहां पे मीटर में दिया जाता है उसी तरीके से गियर शिफ्टिंग करते हो तो उससे भी सीधी असर आपकी बाइक की माइलेज पे पड़ेगी और पहले के मुकाबले आपकी बाइक में आपको जो माइलेज है वो काफी अच्छी मिलने लगेगी। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि आ जाता है इस बाइक की DRL लाइट। अब आप सभी को पता है कि TVS रेडियो नो डाउट ऐसी बाइक है जहां पे आपको फ्रंट में DRL लाइट प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन अवॉइड TVS रेडियो आप दूसरी सभी 110cc बाइक की तरफ देख लीजिए भाई साहब, कहीं पे भी आपको कोई भी DRL लाइट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता। इवन फ्रंट में कोई भी आपको LED लाइट भी हेडलैम्प के सेटअप में प्रोवाइड नहीं कर दी जाती। हालांकि प्लेटिना में भी आपको LED लाइट नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो उस बाइक की DRL लाइट है वो उसे अच्छी खासी रोड प्रेजेंस भी गेन करके देती है और साथ ही साथ जो चलाने वाला राइडर है उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी फील करवाती है। अब जो नेक्स्ट प्लस पॉइंट है अबाउट प्लेटिना एज गियर जो कि मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आया वो है उस बाइक का सस्पेंशन सेटअप। आई राइड लीवो, अल्सो आई राइड सिटी ड्रीम 110, अल्सो आई राइड पैशन प्रो 110 और मैंने TVS रेडियन भी चला ली है, लेकिन सबसे सुपीरियर एक्सपीरियंस और मैं आपको बताऊं 125cc सेगमेंट के भी आप सभी बाइक को यहां पे ले लीजिए तो उन सभी के मुकाबले भी यहां पे जो प्लेटिना एज गियर है उसका जो गैस ट्विन सस्पेंशन सेटअप है वो आपको काफी शानदार वर्क करके देता है और किसी भी तरीके के खराब रास्तों पे आपको बहुत ही अच्छी स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइडिंग प्रोवाइड करके देता है। यानी कि अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि आपको एक बेटर राइडिंग क्वालिटी वाली बाइक चाहिए तो आई सजेस्ट यू कि भाई साहब 110 और 125cc दोनों ही सेगमेंट की बाइक को फिलहाल के लिए साइड में रख के एक बार 110cc की प्लेटिना एज गियर के ऊपर आपको जरूर से देख लेना चाहिए। बहुत ही शानदार राइडिंग क्वालिटी भाई साहब इस बाइक की है। रियर सस्पेंशन की आप बात करें चाहे आप फ्रंट सस्पेंशन, दोनों ही तरफ से ये बाइक आपको काफी अच्छी राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करवा के देती है। साथ ही साथ इस बाइक में आपको दोनों ही तरफ यानी कि फ्रंट और रियर में 18:100 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के व्हील भी मिल जाते हैं जो कि रोड पे काफी अच्छी खासी ग्रिप जब बना के चलते हैं। एक बात आ रही थी कि प्लेटिना एज गियर जो है वो 80 तक चली जाती है और उसके बाद भी वहां पे बाइक में कोई ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, तो भाई साहब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक मैं आपको ये बात क्लियर आउट कर दूं कि जब
प्लेटिना एच गियर में फिफ्थ गियर लगाने के बाद मैंने फर्स्ट गियर से सेकंड गियर और सेकंड गियर से थर्ड गियर का जो गैप रहा था वो रहा था तकरीबन मैं थर्ड गियर पे 40 के आसपास चल रहा था खींचने के बाद, और उसके बाद जब मैंने फोर्थ गियर लगाया तो थर्ड से फोर्थ का गैप था वहां पे 60, यानी 30 से 60 तक आपकी बाइक थर्ड से फोर्थ में जाने के बीच में चली जाएगी। और जो फोर्थ गियर के बाद फिफ्थ गियर के बीच में गैप है वो वहां पे आपको मिल जाता है 60 to 80, या फिर आपको पता है कि फिफ्थ गियर में डालने के बाद। तो अब ये क्या चीज है कि क्या प्लेटिना में सही में 80 के बाद वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है? तो भाई एक सिंपल सी बात है, वो एक 110 सीसी की बाइक है, कोई 125 सीसी भी इवन आप ले लीजिए तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बाइक में 80 के अपो आप जाओगे तो वहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्लेटिना एच गियर जबकि 110 सीसी इंजिन के साथ आती है तो फिर वहां पे तो आपको सिंपल सी बात है कि 80 के बाद आपको वाइब्रेशंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई स्पीडिंग के शौकीन है तो मैं पर्सनली आपको एक बात ले रहा हूं कर दूं कि ये बाइक उन लोगों के लिए बनाई है जो कि अपनी बाइक में अच्छी खासी फीचर लिस्ट चाहते हैं और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल एंड इजी टू राइड भी बाइक चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी बाइक से माइलेज भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं कि जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से भगाओ या तो फिर आप उस बाइक को हाई स्पीडिंग भी करवा लो तो प्लेटिना एच गियर आपके लिए बिल्कुल नहीं बने। आप प्लेटिना एच गियर को साइड में रख दीजिए तो वो ज्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि ऑन पेपर तो प्लेटिना एच गियर के जो पावर एंड टॉर्क फिगर है वो काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन जब आप ऑन रोड पैशन प्रो या लीवो के साथ उस बाइक की जब रेस करोगे तो वहां पे आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि जितने फिगर्स बोले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑन रोड जो पैशन प्रो है उसकी पावर प्लेटिना एच गियर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, टॉर्क भी प्लेटिना के मुकाबले वहां पे आपको ज्यादा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला, वो है इस बाइक का सीटिंग कंफर्ट। अब आप सभी को पता है कि आप प्लेटिना में, मैंने वैसे बोला वैसे कि आपको बहुत ही शानदार सस्पेंशन सेटअप प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ सस्पेंशन सेटअप बेटर होना ही आपकी राइडिंग को प्लस पॉइंट नहीं बनाता, उसी के साथ साथ वहां पे आपकी जो बाइक होगी वहां पे अच्छी खासी सीटिंग क्वालिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर अच्छी सीटिंग क्वालिटी नहीं हुई तो वहां से आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए प्लेटिना एच गियर में भी आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ही अच्छी सीटिंग क्वालिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, और साथ ही साथ उसकी जो हैंडल रिच है या फिर दूसरी जो फीचर रिच है वो भी काफी ज्यादा शानदार है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आप प्लेटिना एच गियर को वीकली एक आधी बार 60 या 70 किलोमीटर की लंबी राइड पे लेके जाने वाले हो तो आप बिल्कुल ही सही है भाई साहब। ये बाइक आपको 60 या 70 किलोमीटर की राइड में कोई भी तकलीफ नहीं देगी, आपकी राइड बहुत ही आसान एंड इजी रहने वाली है। साथ ही साथ इस बाइक में फिलहाल तो इंडिया में एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जो कि आ जाता है फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ। अब डिस्क ब्रेक इसमें मिलती है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, लेकिन आई क्वाइट से इसकी मुझे उसकी जो डिस्क ब्रेक थी उसकी जो ब्रेकिंग पावर थी वो कहीं ना कहीं दूसरी बाइक्स के मुकाबले कम लगी, लेकिन फिर भी अभी तक आप देख लीजिए पैशन प्रो और लीवो के डिस्क ब्रेक वेरिएंट इंडिया में अवेलेबल नहीं हुए, जबकि जो डिस्क ब्रेक वाली बाइक परचेस करना चाहते हैं 110 सीसी सेगमेंट में उन लोगों के लिए फिलहाल इंडिया में प्लेटिना एच गियर एक लौती बाइक ऐसी अवेलेबल है जो कि आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ 110 सीसी इंजन में मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे यहाँ पे प्लेटिना एच गियर में देखने को मिला वो है इस बाइक की प्राइस रेंज, क्योंकि डिस्क ब्रेक वाला इसका एक लौता ही वेरिएंट इंडिया में अवेलेबल है जो कि आपको 72,329 रुपीस ऑन रोड दिल्ली के अकॉर्डिंग मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट की सबसे कम प्राइस वाली बाइक में सेकंड प्लेस पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्लेस पे हालांकि टीवीएस रेडियन है, क्योंकि रेडियन की प्राइस कहीं कहीं स्टेट्स में ना भाई साहब वो इससे भी कम मिल जाती है, अंडर 70,000 वो आपको मिल जाती है, लेकिन वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है। फिर भी जो प्लेटिना एच गियर है वो आपको 5 गियर के साथ मिलती है और फिर भी उसकी प्राइस सिर्फ 72,329 रुपीस है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी की सारी अगर आप लीवो पैशन प्रो सीडी ड्रीम की तरफ भी देखने जाओगे तो सीडी ड्रीम भी तकरीबन 75,000 के आसपास, लीवो और पैशन प्रो की बात करें तो वो आपको अबोव 80,000 या फिर 80,000 के आसपास मिल जाती है। यानी कि आपके लिए बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज साबित हो चुकी है प्लेटिना एच गियर BS6। अब जो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे वहां पे देखने को मिला वो है उस बाइक की डिजाइनिंग, क्योंकि वहां पे टैंक पे आपको
टैंक पे आपको अपने पांव को अच्छी तरीके से ग्रिप हो, उसी लिए वहां पे आपको टैंक पैड्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, साथ ही साथ एक स्लीक बॉडी डिजाइन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो इसके सस्पेंशन सेटअप है उसका लुक भी, उसे भी बहुत ही लॉन्ग ट्रैवल के वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे कि इसका लुक और ज्यादा इंक्रीज भी हो जाता है और साथ ही साथ राइडिंग क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और स्पेशली माइलेज, जो कि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस बाइक में साबित होता है। मैंने अभी तक सिटी 100 को अगर हम छोड़ दे, सिटी 110 को अगर हम छोड़ दे, तो उसके सिवाय किसी भी और बाइक में नहीं देखा जो कि 110 सीसी के साथ आती है और आपको 70 KMPL यानी कि 70 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज निकाल के दे सकते हैं, और वो भी आसानी से। अगर आप ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो जहां पे आपको एडवांस फीचर्स भी मिल जाए, साथ ही साथ एक लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए भी अगर ढूंढ रहे हो, तो भी साथ ही साथ एक अच्छी खासी माइलेज भी एक्सपेक्ट करते हो, साथ ही साथ आप कंफर्टेबल राइडिंग भी एक्सपेक्ट करते हो, और साथ ही साथ LED लाइट्स भी एक्सपेक्ट करते हो, और साथ ही साथ डिस्क ब्रेक भी अपनी बाइक में एक्सपेक्ट करते हो, और वो भी काफी अच्छी प्राइस रेंज में, तो आपके लिए एक बार प्लेटिना एज गियर के ऊपर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितने भी आपको पॉइंट बताए उसमें जो जो आपकी प्रायोरिटी यानी कि जो जो आपको चीज सही है वो कवर अप हो रही है अपनी नेक्स्ट बाइक के लिए, तो आपके लिए प्लेटिना एज गियर एक बहुत ही अच्छा एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज साबित हो सकता है। और इस बाइक में कंपनी आपको 2 ईयर्स की वारंटी भी प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक अच्छा खासा पीरियड आपको मिल जाता है। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज साबित हो सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड, और फॉर मोर दैट टाइप ऑफ वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।